सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ए क्यूब प्लस थ्री ए इक्वल टू टू आई, मतलब ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमने ऐड किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अगर सोल्यूशन की बात करें तो क्यूब का फॉर्मूला हम सबको पता है, कौन क्या होता है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस y। अब जरा इस टर्म को मैं अगर लेफ्ट साइड ले आऊं तो क्या होगा, x प्लस वाई होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। इतना समझ में आया, मैंने फॉर्मूला लिखा और इसको शिफ्ट लेफ्ट साइड पे ले आया हूं। अब इस इक्वेशन को मैं अगर इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, राइट, तो x प्लस वाई होल क्यूब की जगह पर क्या है, a क्यूब है, माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई की जगह है प्लस थ्री है, और x क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह पर है टू आई। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि x प्लस वाई की वैल्यू यहां पर क्या होगी, a एंड माइनस थ्री एक्स वाई इक्वल टू थ्री, तो एक्स वाई की वैल्यू माइनस वन होगी, राइट। इतना समझ में आया, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू ए है, एंड x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू होगी टू आई, ठीक है। इतना समझ में आया, इजी था, सिर्फ हमने कंपेयर किया है। अब देखिए, एक्स वाई इक्वल टू माइनस वन है, तो अगर मैं दोनों जगह क्यूब करूं तो x क्यूब इंटू वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, वो भी माइनस वन होगी, ठीक है, हमने सिर्फ क्यूब किया है। और यहां पर अब अगर मैं इस इक्वेशन में वाई क्यूब की वैल्यू पुट करूं यहां से, तो वाई क्यूब की यहां पर वैल्यू क्या होगी, 2y माइनस एक्स क्यूब, सिंपल। इस इक्वेशन को मैं अगर यहाँ पर पुट करूंगा तो देखना, ध्यान से देखना, इक्वेशन सोल्व कैसे करेंगे हम, तो एक्स क्यूब इंटू टू वाई माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। अब देखिए, ये एक्स क्यूब है और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एस टू सिक्स हो जाएगा और ये थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, ठीक है, एक्स क्यूब इक्वल टू हमने यहाँ पर टी एज्यूम किया है, तो यह t इंटू टू वाई माइनस टी इक्वल टू माइनस वन, तो टू वाई टी माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। अब इन दोनों टर्म को मैं अगर राइट साइड ले जाऊं तो टी स्क्वायर माइनस टू वाई टी या माइनस वन एज इट इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखना, यहां पर टी स्क्वायर माइनस टू वाई टी इक्वल, ठीक है, टू वाई टी है। अब इस माइनस वन को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, आई का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर, राइट, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वायर मतलब दोनों तरफ में स्क्वायर करूंगा तो ये माइनस वन हो जाएगी, तो माइनस वन की जगह हमने प्लस आयोटा स्क्वायर पुट किया है, ठीक है। तो अब देखिए, फॉर्मूला किसका एक्सपेंशन होगा, टी माइनस आई का एक्सपेंशन होगा, यह फॉर्मूला टी माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा इक्वल टू जीरो, तो टी माइनस आयोटा इक्वल टू जीरो, मतलब क्या, टी इक्वल टू आयोटा, हमें यहां पर टी की वैल्यू आयोटा मिली। पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले टी इक्वल टू हमने एक्स क्यूब लिया है, फिर एक्स क्यूब में से हमें ए फाइंड आउट करना है, तो फाइनल गोल है हमारा ए फाइंड आउट करना, मतलब एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करना, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू चाहिए। अब देखना, अब ध्यान से देखना, यहां पर थोड़ा कंसेप्चुअल होने वाला है, आयोटा को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, टी इक्वल टू यहां पर एक्स क्यूब में पुट करूं तो आयोटा को लिख सकते हैं हम कोस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, राइट, हमने इस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लिखा है इसको, कोस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू। आई होप कि आपको पता है कि हम आयोटा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में इस तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं वो भी बताया हुआ है, उसका लिंक भी मैंने दे दिया, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हो, राइट। अब देखिए, हमें एक्स क्यूब भी यहाँ पर दिया गया है, पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स, तो याद रखना जब ऐसा टर्म हो ना ट्रिग्नोमेट्री में तो उसका क्यूब निकालना बहुत ही आसान होता है, क्या करेंगे, एक्स क्यूब का एक्स फाइंड आउट करना है तो इस थ्री को हम यहाँ पर दोनों में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कोस पाई बाई टू और टू इंटू यहाँ पर थ्री करेंगे तो हो जाएगा कोस पाई बाई सिक्स प्लस आयोटा साइन पाई बाई सिक्स, ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये, थ्री को हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर हमें साथ में वाई की वैल्यू भी चाहिए, और वाई इक्वल टू क्या है, माइनस वन बाय एक्स, राइट, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए, एक्स का रिवर्स और उसका माइनस वन, इसका मतलब होगा
y की वैल्यू यहां पर आएगी cos 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको क्या cos पाई बाई 6 है, जब उसका रिवर्स और हम माइनस करेंगे तो सिंपली इसको पाई में से बात करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे दोनों तरफ, तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6 जो हमने यहां पर पुट किया है। ठीक है, इसका रिवर्स करके माइनस किया है, सिर्फ इतना ही फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आने वाला है। और हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, वो इजीली a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि है x प्लस वाई। तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या होगी, cos पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी, रूट 3 बाई 2, और cos 5 पाई बाई 6 की वैल्यू होगी माइनस रूट 3 बाई 2। आई होप कि आपको वैल्यू सब पता होगी। एंड साइन पाई बाई 6 मतलब आयोटा इंटू 1 बाई 2, इसकी भी आयोटा इंटू 1 बाई 2, क्यों, क्योंकि पाई माइनस पाई माइनस हमने पाई बाई 6 किया है, तो पाई के अंदर मतलब अगर यहाँ पर लिखूँ मैं, ये पाई होता है, ये पाई बाई 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ पर कोस, ठीक है, और यहाँ पर सब ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो यह हम पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब साइन पॉजिटिव होगा तो कोस यहाँ पर नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है और कोस यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस रूट 3 बाई 2 लिखा, कोस 5 पाई बाई 6 की वैल्यू और साइन 5 बाई 6 हमें यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। तो इसको हम ये कैंसिल हो जाएगा और 1 बाई 2 आयोटा प्लस 1 बाई 2 आयोटा इक्वल टू आएगा आयोटा, तो मतलब ए की वैल्यू हमें मिलेगी आयोटा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या मिलेगी, आयोटा। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसमें इक्वेशन को भी सोल्व करना था आपको, इसमें आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना जरूरी था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।